Alright guys, good morning. This is Tumpui. Hello guys, good morning and welcome back to the channel. स्वागत है आपको मेरा और एक नया वीडियो में. तो हमारे होस्ट मिजोरम पे, ये उनका ससुर बारी है. बातों बातों में पता चला कि उत्तम भैया भी आसाम से, हापलोंग से. बहुत ही अच्छा लगा. और यहाँ पे कुछ काम काज चल रहा है. ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे आधा मिजो आधा गोरखाली पूरा मिक्स, कोई क्रिश्चियन भी है कोई हिंदू भी है, बट वेस्टर्न कल्चर कुछ ज़्यादा ही भैया यहाँ पे. बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे. और पूरा मॉडर्न है लाइफ, कम्प्लीटली मॉडर्न है यहाँ पे. और मेरे हिसाब से अपना संस्कार को नहीं भूलना चाहिए, रीति रिवाज को नहीं भूलना चाहिए भैया. भैया जी हम लोग वही बातचीत कर रहे थे. बहुत भाई यहाँ पे मॉडर्न है पर वेस्टर्न कल्चर मैंने देखा है उस दिन, बहुत ही यूनिक है यहाँ पे ना कल्चर वगैरह, बहुत ही यूनिक. और आज कुछ भैया जी का क्या कहते हैं उसे, फादर इन लॉ शराद, फादर इन लॉ का अंदर कुछ शराद चल रहा है. मिजोरम में भी शराद होता है गाइस. तो ये ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आज यहाँ का जो कल्चर है ना. यहाँ पे भैया जी का जो ससुरबारी है, उन लोग ने अपना रीति रिवाज को भुला नहीं अभी तक. अंदर में अपना जो संस्कार है अभी तक तो भी कंटिन्यू है. अंदर में कुछ शराद चल रहा है भैया जी का जो ससुर है, ससुर जी का. तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है. ये कुछ कॉलोनी टुम्पुई, दिस इज टुम्पुई, ये टुम्पुई है ये कॉलोनी क्षेत्र. और ये पूरा अपार्टमेंट वगैरह देखिए, बहुत ही बिल्डिंग कम्प्लीटली. और यहाँ पे बहुत ही ठंडा हुआ. थोड़े पहले हम लोग रूम के अंदर बैठे थे तो बाहर निकला, थोड़ा धूप वगैरह ठंडा से थोड़ा धूप का भी जरूर होता है. तो ये टुम्पुई ब्रांच है, एरिया काम कर रहे हैं मिक्स है यहाँ पे कल्चर. ये देखिए ये पूरा टेम्पो एरिया. शराद हो रहा है यहाँ पे देखिए. गुड इवनिंग कोहिमा, मौसम ब्लॉग देख रहा है भाई मेरा. क्या नाम है भाई आपका? विज्ञान थापा ना. अमेजिंग आपका साला भाई. अच्छा ब्रदर इन लो विद्यान जी हमारे ब्लॉग देख रहे इधर. न्यू सब्सक्राइबर मतलब न्यू फैमिली. एक और एक परिवार जुड़ चुके इधर हमारे भाई. ओके देखिए एंजॉय करिए वीडियो. ये यहाँ पे घर हमारे होस्ट जी का देखिए, बहुत ही यूनिक. यहाँ का घर बहुत ही स्टाइलिश होता है ना भैया, बहुत ही यूनिक जी, बहुत ही यूनिक है. यहाँ पे बैक साइड बेलकोनी एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा व्यू पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे पंडित जी का कार्य खत्म हो गया देखिए. ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये स्कूल प्लस कॉलेज है. पूरा हिली एरिया है ना भैया, पूरा कम्प्लीटली पूरा पहाड़ एरिया जी. मिजोरम पे देखिए ड्रैगन फ्रूट देखिए गाइस. ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये रास्ते आज फल तो सीजन अभी हुआ नहीं अभी तक इसका जी. कौन सा सीजन में होता है भैया ड्रैगन? गर्मी में होता है. गर्मी में होता है ना ड्रैगन फ्रूट जी. यहाँ पे देखिए ड्रैगन फ्रूट का देखिए, बहुत ही ज़्यादा मिजोरम पे. नंबर वन है ड्रैगन फ्रूट और नंबर दो कॉफ़ी के लिए मशहूर है मिजोरम. उस दिन मैं गया था बल्बुई. हाँ बल्बुई गार्डन है, गार्डन कॉफ़ी गार्डन बल्बुई में भी घुमा मैं. बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ा, चाय पत्ती से आसान है कॉफ़ी लगाना. हाँ जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, बहुत ही ईजी है. चाय पत्ती को तो बहुत देख रेख करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट है. केमिकल लगाओ लेबर लगाओ, बट इतना कॉफ़ी को इतना कष्ट नहीं है, ईजी है. और सेकंड थिंग इज़ ड्रैगन फ्रूट्स, वो मिजोरम पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उपजा होता है. यहाँ बिजनेस भी उसी का होता है. हाँ, कमर्शियली करते हैं. जैसे लोग इलायची लगाते हैं जी अपने बगीचा पे, अपना कंपाउंड पे, तो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट मैंने देखा है मिजोरम पे. दिस इज अमेजिंग. और आज शराद सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और पंडित जी उधर अपना कार्य समाप्त करते हुए. ये चीज़ यूनिक लगा मिजोरम में आने के बाद भी. अपना रीति रिवाज यहाँ पे इस घर पे फॉलो करके अपना कंटिन्यू है. बहुत ही अच्छा है ये अपना हमारा हिंदू संस्कृति और रीति रिवाज अभी तक भूला नहीं उन्होंने. तो वार्षिक श्राद्ध कहते हैं ये नहीं. हाँ वार्षिक श्राद्ध है आज इस घर पे, वार्षिक श्राद्ध जो हमारे होस्ट हैं मिजोरम पे. ये है टुम्पुई पे हमारे होस्ट का घर, बहुत ही अच्छा. और मैं आपको सिस्टर लोग से भी मिलाऊंगा हमारे होस्ट का. और नीचे कोई टोमी भूख रहा है वो रहा ओ बेला बच्चा भी है ना. हाँ उसका पता नहीं नाम, तो उसका छोटा वाला है वो. अच्छा वो छोटा जाता है, वो बड़ा वाला बड़ा जाता है वो. हजुर
तो आइए गाइस अंदर जाते हैं हमारे बॉस के यहाँ पे। यहाँ पे हमारा छोटा भाई है, इधर मम्मी जी है, यहाँ पे हमारा एक छोटा बहन। आपका नाम क्या है? ब्रिंदा। ब्रिंदा ना, क्या ये स्टडी कर रहा है ना? क्या है? क्लास टेन में है। ओके थैंक यू। इधर हमारी मम्मी जी, हाय वनेश। तो छोटा भाई से तो आपने मिल ही चुका है ना, उधर और एक बहन लोग हैं यहाँ पे। आप लोग का नाम बोल दीजिए, क्या है? सीता। और आपका? बशिका। अभी स्टडी ना क्या? हाँ यार, क्लास 11। क्लास 11 में। ओके थैंक यू। अभी क्या कुकिंग है? क्या है? क्या बना रहा है? क्या बना रहा है अभी? रोटी सब्जी बना रहा। रोटी सब्जी बना रहा है। ओके ओके थैंक यू। मैं आइजोल निकलने वाला हूँ, तो यहाँ से लगभग 2 बजे निकलूँगा। एंड ये हमारा होस्ट के घर पे, होस्ट के घर से अलविदा लेने का टाइम आ चुका है। दिस इज आवर होस्ट हाउस मिजोरम। अर्को पनि खै? ओ, सेलाउनु गछ नि। हुन्छ हुन्छ ओके। क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है अभी मिजोरम पे। तो यहाँ से अभी निकल के 2 बजे या फिर 3 बजे है, मेरा गाड़ी है आइजोल के लिए। और यहाँ पे हपलोंग वाले भैया से फिर मिलूँगा दोबारा। पहले मिजोरम आइजोल जाके आता हूँ, उसके बाद उत्तम जी से आने के बाद मिलेगा। गाड़ी आ चुका है गाइस, 2-3 लगभग 2 या 3 बोला था, 3:30 को अपना गाड़ी। ये रहा और व्हीकल। लेट्स गो आइजोल। तो यहाँ से निकल चुका है आइजोल के लिए, सफर शुरू। फिलहाल अभी लुंगदाई पहुंच चुका है, और इसके बाद और थोड़ा समय लगेगा आइजोल पहुंचने के लिए। और यहाँ पे रुका है कुछ खाना पीने के लिए। तो अभी तो मेरा खाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे जाके आइजोल में खाना है खाना। तो अभी ये टाइम भी नहीं है खाने का, खाना पीने का। अभी जस्ट शाम हो रहा है, अभी इवनिंग 5:30 लगभग हो चुका है अभी शाम का। और ये एरिया है लुंगदाई, यहाँ से लगभग और 1-1.5 घंटा लग जाएगा आइजोल पहुँचते पहुँचते। तो अभी मैं मिलूँगा आपसे सीधा मेरे होस्ट के घर पे जाके आइजोल पे। ओके बाय बाय। तो फाइनली आइजोल देखिए गाइस, अमेजिंग। पहाड़ी पहाड़ देखे, घर बहुत ही यूनिक। तो अभी मैंने होस्ट से बात कर लिया है, और यहाँ से थोड़ा चल के फाइनली। तो फाइनली गाइस ये है आइजोल, और रात को कुछ इस प्रकार दिखता है, देखिए लाइक ए दार्जिलिंग। अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। ये है आइजोल। तो फिलहाल मैं अभी अपने होस्ट के घर के ऊपर से दिखा रहा हूँ, छत के ऊपर से। वाह, तो काफी ठंडा है गाइस आइजोल पे। तो अभी मैंने दिखाया ऊपर छत पे जाके आइजोल का नजारा। ये गाइस मेरे लिए सरप्राइज, आज बहुत महीना के बाद में रोटी खाने मिल रहा है। आई एम सो लकी। थैंक यू सो मच भैया लोगों, पंडित जी को भी थैंक यू सो मच, धन्यवाद। खुद को आज बहुत ही, मतलब क्या बताओ, जैसा चाहा था घर पे एक्चुअली रोटी खाने का हैबिट था, आज बहुत महीने के बाद रोटी खाने को मिल रहा है। चलिए रात का डिनर करते हैं, फिर उसके बाद कुछ एडिटिंग का काम भी है। और खाना वाना खाते, इधर देखे बिल्कुल रेडी है पंडित जी, इधर हमारा भाई। ओके मिलते हैं कल, बाय गाइस एंड गुड नाइट सभी को।